आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन 1964 से लेकर 1971 तक थी ये हमारी जनरेशन, और इसे हम कहते थे इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके अंदर कोई तीन चीजें होती थी, उनको हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट कहते थे, जैसे कि ट्रांसिस्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर। ये थी तीन चीजें इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर, ट्रांसिस्टर थी, कैपेसिटी इस डायग्राम के अंदर जो आपको दिख रही है। इस डायग्राम के अंदर ये तीन चीजें थी, इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांसिस्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर। ओके, तो ये तीन चीजें थी इसके अंदर, और यहाँ पे है इसके अंदर ये तीन चीजें जिससे चलता था। और ये जो ये फिर जो मैंने आपको सेकंड जनरेशन बताई, ये IIMB 360 सीरीज, तो इससे कंप्यूटर ने थोड़ी ज्यादा तरक्की की थी, और तरक्की की इसके साथ, और जब तरक्की की तो वो ज्यादा बढ़ता रहा। और ये क्लास इससे ये था बड़ा, लेस हीट का, स्मॉलर इन साइज और सपोर्ट हाई लेवल लैंग्वेज का था इसका। ये जो था ना, ये पूरा स्मॉल था, स्मॉलर का साइज वाला था। ये जो अभी मैं यूज कर रहा हूँ थोड़ा बिगर साइज का है, और इसमें लेस हीट होती थी और सपोर्ट हाई लेवल का लैंग्वेज भी होता था। तो ये थी थर्ड जनरेशन जो मैंने आपको बताई है। तो हम मिलेंगे इसी तरह की अगली वीडियो में, तो आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।